पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरदासपुर में बीएसएफ की मुठभेड़ हुई है। चंदू वडाला चौकी से 47 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। मुठभेड़ में एक सैनिक घायल हुआ। डीआईजी बीएसएफ के डीआईजी ने दी मुठभेड़ की जानकारी। बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में ड्रग्स और नशा एक बड़ा सियासी मुद्दा है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स और नशा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसको लेकर हर बार पुलिस प्रशासन की ओर से चाहे बात की जाए, चाहे सरकार की ओर से बात की जाए, नशे के जितने भी सप्लायर्स हैं या तस्कर हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो तस्कर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि 20 फरवरी को मतदान होना है 117 सीटों पर और ऐसे में इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद करना कई सवालों को खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ईशा, हमेशा से ही नशे का गढ़ माने जाने वाला पंजाब, जिसमें लगातार सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से कोशिश की जाती है कि नशे से मुक्त किया जा सके पंजाब को, लेकिन बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है पाकिस्तान के साथ, भारत की और खासकर पंजाब की, और कई ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहले देखा गया था कि पाइप के जरिए पाकिस्तान की तरफ से उसकी तस्करी भारत से होते हुए दूसरे देशों में भेजी जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से टेक्निकल चीजें बढ़ी हैं, ऐसे में ड्रोन के माध्यम से भी जो नशा तस्करी है वो बढ़ी है। लेकिन आज जो घटना हुई है गुरदासपुर के चंदू वडाला पोस्ट में, वो बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार कोई बीएसएफ अधिकारी इस तरीके से जख्मी हुआ है। काफी गंभीर रूप में घायल हुए हैं एक जवान बीएसएफ के, जिन्हें अमृतसर में इस वक्त भर्ती करवाया गया है और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दूसरी ओर बीएसएफ के जो डीआईजी हैं प्रभाकर जोशी, उनकी तरफ से खुलासा किया गया है कि जो 49 किलो हीरोइन बरामद की गई है, करोड़ों में इसकी अगर हम बात करें तो जो विदेशी मार्केट है उसमें करोड़ों रुपए में ये बेची जानी थी, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि लगातार ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, तो ऐसे में हालांकि जो मुठभेड़ भी आज सुबह देखने को मिली है जो ड्रग्स तस्कर है उनमें और बीएसएफ अधिकारियों के बीच, लेकिन जो तस्कर है वो भागने में कामयाब यहाँ पर हुए हैं और अभी मुठभेड़ जारी है। लेकिन जो यहाँ पर चिंता का विषय है वो ये है कि बीएसएफ के एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और अमृतसर में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। ठीक है ईशा, ऐसे में हम भी कामना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए और साथ ही ये जल्दी से पता चल सके कि आखिर इतनी बड़ी खेप कहाँ ले जाई जा रही थी, तस्कर का भी कुछ पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।